यहाँ पे जो कंपटीशन है उसका मेनली नियम है कि 5 घंटा अगर आप पढ़ो तो एक आइटम यहाँ से फ्री देगा, और ये है नियम। तो मेरा सब दोस्तों भाई यहाँ पे से कर गया है, और यहाँ से लगभग 15 पीपल फ्री में एक एक गिफ्ट लेकर गया है। उसके अंदर मेरा एक दोस्त शांति हुए कोट लेकर गया है, ऐसा ही होपफुली कुछ। तो ये यहाँ पे गाइस गीता भी है, देखो गीता, उसके साथ साथ ही क्विज का बुक, सब कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल है। ऐसे एक लेकर होपफुली 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो चलो पढ़ते हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बज रहे सुबह का 11:30, मस्त नहा धा कर शैम्पू करा था। तो आज मैं जा रहा हूँ एक चैलेंज करने, मैं चैलेंज नहीं करूँगा, हमारे यहाँ पे एक लेदर शॉप में, हमारे पास ही में है बोनगा के अंदर एक लेदर शॉप में एक अंकल ने एक चैलेंज वीडियो करा है कि कोई अगर 5 घंटा उनके उधर पढ़ पाए तो लेदर शॉप का कोई एक चीज वो लेकर जा पाएगा। तो बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि इससे ना मतलब अगर हर एक शॉप में करे तो पढ़ाई का हार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और भी बहुत सारे ऑफर्स थे। तो मेरा दोस्त, आर्ट्स का दोस्त, आप सभी दिगों तो जानते हो, उसने मुझे फोन करके बोला इसके बारे में। और मेरा एक कॉमर्स का दोस्त शांति शोमोजीत, उसने भाई 5 घंटा पढ़ के एक जैकेट लेकर गया है लेदर का। तो चलो अभी मैं जाता हूँ, अभी देखते हैं। मम्मी भी जाएगी, अकेले जाना तो पॉसिबल नहीं, मम्मी के साथ जाता हूँ। चलो मतलब 12 बजे से अगर शुरू करूँ तो 5 बजे खत्म होगा। मुझे तो भाई पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, आप सभी जानते हो। तो चलो गाइस, मम्मी तो भाई टेंशन कर रहा है कैसे 5 घंटा पढ़ेगा, तो मैं बोल रहा हूँ सब ठीक होगा। मुझे, मैं तो भाई पूरा, मतलब 5 घंटा की 10 घंटा भी मैं पढ़ सकता हूँ। वो वहाँ पे जाके जो अंकल का शॉप है, आप सबको सब दिखाऊंगा। तो जाते हैं अभी, चलो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। वहाँ पे जाकर अंकल को कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, देखता हूँ हिंदी में बोल पाता है कि नहीं। चलो मम्मी एक्साइटेड, चलो अभी जाते हैं। बैग में सब रेडी कर लिया, वाटर वाटर जो जो लगेगा, एक चादर क्योंकि ठंड है ना। चलो चलो बाहर तो निकल गया हूँ, अच्छा खासा ही शर्ट भी पड़ा है, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अभी टोटो के लिए वेट करते हैं, मम्मी भी आ गया है, चलो टोटो से जाएंगे। भाई टोटो तो नहीं आ रहा है, खड़ा ही हुआ पे, क्या ही बोलूँ। मेनली मैं तो ईट करता हूँ, 5-6 घंटे बैठा ही रहता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मम्मी को लेकर प्रॉब्लम है कि मम्मी बैठे रह पाता है कि नहीं। चलो ना दूजन স্কুলের ওখানটায় নামিয়ে দেবে গান্ধী বলে শর্মা লিডার্স তো হ্যাঁ হ্যাঁ রোডে তো ভাগে হো চলো শর্মা লিডার্স তক তো যা तो यहाँ पे एक मस्त स्कूल है, ये स्कूल के पास ही में है शर्मा लेदर्स, हम लोग यहीं पे जा रहे हैं कंपटीशन करने। तो चलो जाते हैं, मतलब यहाँ पे गाइस 5 घंटा भी पढ़ना पड़ेगा। तो चलो जाते हैं, देखते हैं काउ को बोल कर, तो या पार्टिसिपेट करते हैं। तो या तो ये सामने एक KG स्कूल है, इस तरफ गांधी पोलिया यहाँ पे ही है। तो चलो, तो गाइस ये है मेनली वो शॉप शर्मा लेदर्स, जहाँ पे होपफुली कॉम्पिटिशन हो रहा है। पर एक पोपट हो गया कि काकू आज नहीं है, तो चलो अंदर दिखाता हूँ आप सबको। तो मेनली आज यहाँ पे जो काकू है, मेन जो काकू है, वो काकू आज नहीं है। तो बाकी दादा के पास से सुन लिया कि यहाँ पे जो कंपटीशन है उसका मेनली नियम है कि 5 घंटा अगर आप पढ़ो तो एक आइटम यहाँ से फ्री देगा, और ये है नियम। तो मैं थोड़ा सा आप सबको घुमा कर दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या है, और काकू आएगा उसके बाद मैं और एक दिन आकर आप सबको दिखा दूँ। तो यार है मेनली बेल्ट और ये सब कुछ। तो यहाँ पे मेनली ये अंकल तो है, तो अंकल के पास मैं एक ही चीज़ पूछ रहा था कि ये सब क्या आप ही बनाते हो, आप सभी बनाते हो, आप सबका ही कारखाना वहाँ पे बनाते हो। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे चीज़ ऑल दिखा देता हूँ, जूता है यहाँ पे, कुछ बूट्स, सभी लेदर का है ना, और यहाँ पे बैग्स है, ये सब कुछ कोट्स है, लेडीज बैग। तो ये सब कुछ बहुत सारा चीज़ ही है भाई, यहाँ पे कोट्स देखो, वैरायटी है।
मनी बैग्स का कुछ है तो यहाँ, और यहाँ पे मेनली जो जो बुक्स है ना, ये सब बुक्स में ही कुछ बुक, एक बुक आपको पढ़ना पड़ेगा 5 घंटे के लिए, और उसके बाद आप एक या से कोई भी एक आइटम पा जाओगे। और जो जो ऑप्शंस है यहाँ पे, आप अगर 1 घंटा वही पढ़ो, बुक पढ़ो तो 20% ऑफ होगा जो बंगाली में लिखा है, 2 घंटा पढ़ो तो 40% ऑफ होगा। तो यार मेरे साथ तो पोपट होना था, मेन जो अंकल है वो तो उन्होंने तो वो वही 1-2 दिन बाद आएगा, तो मैं ही करके जाता हूँ। आज मैं कंपटीशन करके भी जाऊंगा क्योंकि और 4 दिन के लिए है, पूरा साल में सिर्फ नवंबर मंथ के लिए होपफुली यहाँ पे ये ऑफर दिया है। तो मेरा सब दोस्तों भाई यहाँ पे से कर गया है, और यहाँ से लगभग 15 पीपल फ्री में एक एक गिफ्ट लेकर गए। उसके अंदर मेरा एक दोस्त शांति हुए कोट लेकर गया है, ऐसा ही होपफुली कुछ, तो ये ऐसा कुछ सिचुएशन है। तो मैं अभी 5 घंटा होपफुली बैठूंगा यहाँ पे, कॉम्पिटिशन करूंगा। तो अभी मेनली और एक बार सुन रहा हूँ कि अंकल भाई होपफुली आ रहा है बोनगा में, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा अंकल से सुनना चाहता हूँ कि अंकल ने इतना हमारे बंधुरा ही बोलो जो काकुटा एगो छोड़ा उड़ा हुआ कि कोड़े गए थे घंटे के मैंने नहीं गए थे। तो यहाँ पे तो भाई बहुत सारा चीज ही है, तो अभी अंकल को अंकल फोन करा था, बेसिकली मैं बोलता हूँ क्या हुआ। ये जो इनिशिएटिव अंकल ने लिया है बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल है, क्योंकि अगर इंडिया में ये शुरू करे तो मतलब कितना पढ़ाई का हार ज्यादा हो जाएगा, आप सोच पा रहे हो। एक एक का प्राइस देखो 2,000-3,000 करके, ये सब आप फ्री में पा जाओगे अगर 1 घंटा आप पढ़ो। और ये ईयर में एक मंथ या फिर और एक मंथ भी अंकल को फोन करा था, अंकल बोल रहा था, तो बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया है। तो अंकल से, अंकल भाई आ रहा है, मुझे बोला कि अभी घर में है तो आ रहा है। मतलब यहाँ पे देखो बहुत सारा चीज ही है, कोई भी चीज आप पाओगे अगर 1 घंटा पढ़ो। ऐसा इनिशिएटिव लेना वाला अंकल को तो भाई दिखाना तो बहुत जरूरी है वीडियोस में। तो मैं अभी कॉम्पीट करने बैठूंगा, उसके बाद जब अंकल आएगा थोड़ा सा आपको दिखा दूंगा। तो 5 घंटा कटता है, चलो। पर यहाँ पे सिर्फ कोट्स नहीं भाई, जूता देखो लेदर्स का, या फिर ये सब पास में रखते हैं ये सब बैग्स। ओ भाई ये बैग भी देखो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है, वाओ। मनी बैग, कोट, ये सब कुछ देखो कितना। चलो अभी मैं कॉम्पीट करने बैठूंगा। तो यहाँ पे गाइस गीता भी है, देखो गीता, उसके साथ साथ ही क्विज का बुक, सब कुछ बहुत नेक्स्ट लेवल है। ऐसे एक लेकर होपफुली 5 घंटा पढ़ना पड़ेगा, तो चलो पढ़ते हैं। 2 मस्त गीता का बुक है, तो होपफुली चेंज भी आप कर सकते हो, अगर कुछ नियम है तो देखते हैं। तो हमने एटलीस्ट स्टोरी का बुक चूज़ करा है, मम्मी वो वाला, मैं पंचतंत्र बुक, बहुत ही फेमस एक स्टोरी का बुक है। तो चलो राइट, 12:15 हो रहा है टाइमिंग, तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो हमने एक एक बुक तो ले लिया है, अभी 12:15 हो रहा है राइट, 5 घंटा तक होपफुली ट्राई करूंगा अगर पढ़ पाए तो। चलो मम्मी भी एक बुक लिया है, स्टोरी का बुक ही लिया है, तो यार क्योंकि एक बुक खत्म करूंगा फुल्ली। तो अभी चलो 5 घंटे बाद मिलते हैं, और अगर अंकल आ जाए काकू तो मैं थोड़ा सा दिखा दूंगा। एडवेंचर बुक पढ़ता हूँ, चलो। तो अभी स्टोरी का बुक तो मैंने 3 स्टोरीज ऑलरेडी पढ़ लिया, अभी चेंज करूंगा बुक। तो यार तो मैं थोड़ा सा वॉशरूम में गया था, ये नहीं कि था 5 घंटा ही पढ़ो, थोड़ा सा बातचीत भी कर सकते हो। और यहाँ पे स्कूल है ना, एक स्कूल से बाहर आ रहा है बच्चा, कच्चा लॉजेंस दे रहा है, मतलब देख के भी खुश हो जाता है। इन सब का जो भाई ये जो अंकल का, अंकल तो अभी तक नहीं आया, मैं दिखाऊंगा ज़रूर। अंकल का जो एक मोटिव है पढ़ाई को लेकर कि पढ़ो, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। चलो अभी बुक चेंज करूँगा। तो यहाँ पे मैं बुक तो चेंज कर रहा हूँ, बहुत सारा ही है। तो मम्मी तो अभी पढ़ रहा है, मैंने अभी एक साइंस का बुक लिया है, तो चलो इसको भी पढ़ते हैं।
एक बुक ही अगर पढ़ो तो बोरिंग हो जाते हो, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा चेंज करा तो इसको पढ़ता है, क्योंकि स्टोरी का बुक मैंने 3 स्टोरीज कंप्लीट कर लिया अभी। चलो नेक्स्ट वन, बैठ के पढ़ते हैं, बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। चलो ई बुक ना हो जाए, ई बुक भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने ई बुक देख रहा था, और अभी होपफुली शार्लक होम्स का ये वाला स्टोरी बुक ही पढ़ूंगा, क्योंकि लॉन्ग टाइम के लिए ये सब साइंटिफिक बुक अच्छा नहीं लग रहा है। और अभी टाइम हो रहा है 2 बज रहा है, तो चलो। तो मैं ये जो शार्लक होम्स का ये वाला स्टोरी का बुक पढ़ रहा हूँ, बहुत ही एक्साइटेड है और बहुत ही नेक्स्ट लेवल लग रहा है। और हाँ, जो अंकल का शॉप है ना, वो अंकल थोड़ा देर बाद ही होपफुली चले आएंगे, तो मैं उस समय दिखाऊंगा। तो चलो पढ़ते हैं। तो अभी हमारे अंदर शॉप का ओनर काकू आ गया। काकू नमस्ते। नमस्ते। तो काकू के साथ थोड़ा देर मैं बातचीत करूंगा कि ये इनिशिएटिव क्यों लिया है इसके बारे में। तो चलो। तो अंकल बेसिकली हिंदी उतना अच्छा बोल नहीं पाता है, तो मैं जो क्वेश्चन करूंगा हिंदी में, अंकल बंगाली में बोलेगा, उसके बाद उसको मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन अंकल के ऊपर है कि आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है, ये जो पदक्षेप लिया है, ये क्यों लिया है, मतलब ये पदक्षेपटा क्यों लिया है? আমার এখানে সারা বছর ম্যাক্সিমাম কাস্টমার হচ্ছে সেলস মার্কেটিংয়ে যারা থাকে সেই সব কাস্টমার আসে, তারা বছরে 2-3 করে জুতো নেয়। আমার এখানে সার্ভিস ভালো পাই বলে তারা এখানে আমার এখানে কন্টিনিউ, মানে ওদের গ্রুপ ধরে সবাই আসে। এবার ওরা মাঝে মধ্যে মাসের শেষের দিকে আমার এখানে এসে চুপচাপ বসে থাকে, কেউ 10 মিনিট, কেউ আধা ঘন্টা, 1 ঘন্টা বসে থাকে। প্রতি মাসেই এটা আমি ফলো করেছি যে কেউ না কেউ মোটামুটি আজ দুজন কাল দুজন মাসের শেষে বসে থাকে। কেন বসে থাকে আমার এটা জানার খুব আগ্রহ হলো। ওদের খুব প্রশ্ন করলাম, তারপরে বলছি যে দাদা আর না, আমাদের অফিসে যে টার্গেট ছিল আমরা পুরোপুরি করতে পারিনি, আমাদের আজকে বস যা দিয়েছে আচ্ছা করে, না অফিসে বসতে পারছি না বাড়ি যেতে পারছি, আপনি 10 মিনিট একটু বসতে দিন। ওদের এই বসাটাকেই আমি কাজে লাগিয়েছি যে শুধু বসতে দেব না, একটা বই পড়তে হবে। সেই বই পড়া ওদের থেকেই আমার এই অপরচুনিটি, ওদের থেকেই এই সূচনা যে ছোট্ট একটা লাইব্রেরিটা খুব শুরু করলাম। তাহলে লাইব্রেরি যখন হবে তাহলে শুধু ওদের নয়, এটা সর্বসাধারণ সব গ্রাহকদের জন্য। সেই জন্য শুধু লাইব্রেরি না, পাশাপাশি একটা অফারও দিয়ে রাখলাম। আচ্ছা, তো মানে বল দেতাও হিন্দি মে কি अंकल बोल रहा है कि यहाँ पे ना सेल्स डिपार्टमेंट या फिर जो जॉब करता है सब अंकल टंकल आकर यहाँ पे बैठता था और बोलता था कि 10 मिनट बैठने देने के लिए। तो उस समय अंकल ने ये लाइब्रेरी का ओपनिंग करा कि बैठ रहा है तो कुछ काम तो कुछ कार्य तो करे, तो उसके लिए पढ़ाई के लिए मतलब बुक्स उनके लिए जुगाड़ कर दिया। और हाँ, उसके साथ साथ ही ये जो ऑफर है इसका इसका सुविधा भी कर दिया। और ये सिर्फ वो सेल्स डिपार्टमेंट या फिर जो जॉब करता है उनके लिए नहीं, हर किसी के लिए उसके बाद से कर दिया। और मैं मेरा दोस्त का वीडियो में भी देख रहा था, उन्होंने वीडियो करा था कि आप बोल रहे हो कि बेसिकली जो स्टूडेंट्स है उनका पढ़ाई को मोटिवेट करने के लिए ये आपने ये शुरू करा है। जस्ट पढ़ाई करने के लिए, मैंने ভালোভাবে যাতে ওর সবাই বইয়ের উপরে নজর রাখে, ইন্টারনেট যুগ হয়ে গেছে, সবাই মোবাইলের উপরে ইন্টারেস্ট হয়ে গেছে, বই সব ভুলে যাচ্ছে, স্যার ক্লোজ দাও, সেই বইটাকে যাতে সবাই ইন্টারেস্ট পায় সেই বইয়ের জন্যই আমি এই পদক্ষেপটা সর্বসাধারণের জন্য তৈরি করেছি। হ্যাঁ, তো মেরা নেক্সট কোশ্চেন হ্যাঁ কি ইসকা কিয়া কিয়া নিয়ম হ্যাঁ কিয়া কিয়া ব্যবস্থা হ্যাঁ কি আপনি কিয়া কিয়া অফার রাখতে হো? আমার অফার এখানে 1 ঘন্টা বই পড়লে 20% ছাড়, 2 ঘন্টা বই পড়লে 40% ছাড়, এটি সারা বছরের জন্য থাকবে, 12 মাস থাকবে। আগার 1 আওয়ার পড়ো তো 20% অফ দেগা ইয়া পে, অর আগার 2 ঘন্টা পড়ো তো 40% অফ দেগা। ইয়ে 12 মান্থ কে লিয়ে হ্যায় অর সির্ফ 1 ইয়া 2 মান্থ কে লিয়ে কিয়া হুয়া? আর বছরে 2 মাস আমি রাখবো, 5 ঘন্টা যদি কেউ বই পড়ে তাহলে সম্পূর্ণ একটা প্রোডাক্ট বিনামূল্যে সে পাবে। সেটা এখন নভেম্বর মাস চলছে, আবার পুজোর আগে আগে তখন আবার ঘোষণা হবে। আচ্ছা, আর 12 মান্থ মে 2 মান্থ, জ্যাসে এই নভেম্বর মান্থ হো রা হ্যায় না, এ পুরা মান্থ আগার কোই 5 আওয়ার পড়ে তো এই জো কোই প্রোডাক্ট ইসসে লে পায়েগা, আর এসা হি অর এক মান্থ ভি করেগা পূজা কে পেহলে, দুর্গা পূজা কে পেহলে। এসা কুছ সিচুয়েশন হ্যায় আঙ্কেল কা। और एक जो क्वेश्चन करूंगा वो है कि और मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि कितना लोग यहाँ से 5 घंटा पढ़ के फुल्ली एक फ्री चीज लेकर गया है?
এক ঘন্টা দু ঘন্টা তিন ঘন্টা এ তো আছেই প্রচুর, অনেক অনেক আছে, কিন্তু পাঁচ ঘন্টা যারা আছেন এই ধৈর্যের পরীক্ষাটা সবাই দিতে পারে। অনেকে পাঁচ ঘন্টার জন্য এসেছে টার্গেট নিয়ে, কিন্তু পাঁচ ঘন্টা বই পড়তে পারে তাহলে তারপরে যারা পেরেছে এই ধৈর্যের পরীক্ষায় যারা পাশ করেছে সেখান থেকেও অন্তত প্রায় 15-20 জন হয়ে গেছে। তো আঙ্কেল বল রা হ্যায় কি 5 আওয়ার কে লিয়ে বহুত সারা লোগে আয়ে হ্যায় পর পর নেহি পায়া উতনা দের, पर ऐसा अगर है कि 5 घंटा पढ़ के खुद का जो मेडिटेशन पावर को लगा कर जो पढ़े है लगभग 15-20 जोन तो हो गया, वो सबने फ्री में एक एक प्रोडक्ट लेकर पूरा फ्री में जो भी मेरे पास जितना प्रोडक्ट है, जूता भी है, बेल्ट भी है, और ये सब लेदर का है ना, ओरिजिनल लेदर प्रोडक्ट, और अंकल का जो कारखाना है वही पे बनाते हैं। हाँ हाँ, मेरा अपना प्रोडक्ट। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है। आई थिंक इंडिया का हर एक लोग, हर एक जो शॉपकीपर है उन सबको देखना पड़ेगा अंकल का ये जो इनिशिएटिव है पढ़ाई को लेकर, कि सब मोटिवेट हो पाए। सिर्फ वेस्ट बंगाल के अंदर नहीं, पूरा इंडिया में ऐसा कुछ ऐसा अगर हो तो पढ़ाई का लेवल कितना ऊपर तक जाएगा। तो मैं भी तो कॉम्पीट कर रहा था तो अंकल से थोड़ा देर बात कर रहा, अंकल बहुत अच्छे काम आप कर रहे हो। প্রিয় শঙ্কু, আমার দলের একটা লোকের কালা জ্বর হয়েছে। ওয়াও, ওতে বুক 3% স্যার, 3% তো বুক তিনটে আমার পাঁচজন ভাগাভাগি করে রয়েছে, আর আমি ডেভিড ক্রোল সার্ভান্ডে আরেকটা টিপিয়াতে যে 8ই মে রাত ব্লু ডায়মন্ডের বিষয়ে কি বলবো, ইলেকট্রনিক্সের কাজে লাগে এটা। গারাপোতার যে মাস্টারমশাই আছে